एक बेसिक कुर्ता स्टिच करवाना कितना मुश्किल या आसान है आपके लिए? हाय, वेलकम बैक टू आवर सीरीज ऑन फैशन एंड स्टाइलिंग। ये वीडियो एक बहुत ही बेसिक गाइड है कोई भी कुर्ता बनवाने के लिए। चाहे आपके पास अपने कपड़े बनवाने के लिए कोई अच्छी बुटीक है या फिर कोई मास्टर जी, ये सब पॉइंट्स आपके बहुत काम आएंगे। सो बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। सबसे पहला जो ख्याल रखने वाला पॉइंट होता है कोई भी आउटफिट खरीदने के टाइम पे, वो होता है आपका इनरवेयर। नाउ दैट वुड बी आपकी ब्रा या फिर अगर आप कोई शेपवेयर पहनते हो। सो अगर कोई नया कुर्ता बनवाने जा रहे हैं या फिर रेडीमेड खरीदने जा रहे हैं, तो ये ख्याल रखें कि आपके इनरवेयर की फिटिंग परफेक्ट हो और जो आप फाइनली उस आउटफिट के साथ पहनने वाले हो। देन जो सबसे मेन पॉइंट है वो है कि कपड़ा कितना खरीदें। जनरली एक बना हुआ है कि लेडीज़ कमीज़ या फिर कुर्ते के लिए 2.5 मीटर कपड़ा लगेगा। यूजुअली दुकानदार भी यही बोलकर आपको उतना ही फैब्रिक दे देते हैं, बट एक कुर्ते का स्टाइल डिसाइड करेगा कि उसको बनाने में कितना कपड़ा लगेगा। अगर आप कोई शॉर्ट कुर्ती बनवाना चाहते हैं तो आपको 2.5 मीटर से कम लेना होगा, और वहीं अगर आप कोई बहुत लॉन्ग लेंथ का या फिर काफ लेंथ का भी कुर्ता बनवाना चाहते हैं तो वो पहले डिसाइड कीजिए और फिर उसके हिसाब से ही फैब्रिक खरीदिए। इसमें स्लीव्स के डिज़ाइन को मत भूलिएगा। अगर तो सिंपल स्लीव्स बनवानी है तो वो तो यूजुअली साइड में से ही निकल आती हैं, बट अगर कोई स्टाइलिश स्लीव्स बनवानी है देन उसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना होगा। कभी कभी प्लस साइज वालों के कुर्ते के साइड से स्लीव के लिए फैब्रिक नहीं बचता, तो आप अपने साइज के हिसाब से देखिएगा अगर आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक लेने की ज़रूरत है। सेम गोज़ फॉर कोई भी ए लाइन कुर्ता, उसमें भी स्लीव्स का फैब्रिक एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। अगर आप कोई कलीदार कुर्ता बनवाना चाहते हैं तब भी आपको ज़्यादा फैब्रिक चाहिए होगा। काफ़ी बार ऐसा होता है कि क्लाइंट्स 2.5 मीटर कपड़ा लाके फुल ऑन कलीदार डिज़ाइन पसंद करके बोलेंगे इसमें से ये बना दो। दैट्स जस्ट नॉट पॉसिबल, और आपको ये समझना होगा। देन आपने जो कुर्ते का डिज़ाइन पसंद किया है उसके अकॉर्डिंग आपको फैब्रिक और उसका डिज़ाइन पसंद करना होगा। अगर कोई फ्लोई स्टाइल वाला कुर्ता है तो उसके लिए जॉर्जेट या फिर शिफॉन टाइप कोई कपड़ा लेंगे। अगर घर में पहनने वाला कुर्ता बनवा रहे हैं तो कैजुअल कॉटन में ले सकते हैं। एंड वहीं अगर कुछ पार्टी वेयर बनवाना है तो कुछ फॉर्मल फैब्रिक देखेंगे। अब जब कपड़ा खरीद लिया है देन आते हैं कुर्ते की डिटेल्स पे। आपको फैब्रिक और स्टाइल के अकॉर्डिंग और अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कुर्ते की नेक लाइन डिसाइड करनी होगी। यूजुअली कुर्तों में बैंड नेक या फिर राउंड नेक चलते हैं। इन दोनों के साथ आप कोई कुर्ता पट्टी या फिर कुछ बटन्स ले सकते हैं, और अगर डीप और ब्रॉड नेक पसंद करते हैं देन बैक से ज़ीरो नेक ही रखवाएं, मींस कम से कम, बिकॉज कुर्ते के साथ यूजुअली लोग कोई दुपट्टा या फिर स्कार्फ नहीं कैरी करते, तो ऐसे में बैक डीप नेक से बड़ी सूट वाली लुक आएगी और दुपट्टे के बिना वो थोड़ा अजीब लगेगा। इनफैक्ट वो कुर्ता नहीं लगेगा, वो तो कमीज़ बन जाएगी। देन अपनी बॉडी शेप के अकॉर्डिंग आपको कौन कौन से डार्ट्स लेने की ज़रूरत पड़ती है वो भी आप टेलर को मेंशन कीजिए, या फिर कोई पैनल्स यानी कि कलियां लेना चाहते हो तो वो भी बताइए। कुछ लोगों को प्रिंसेस पैनल बहुत पसंद होता है और उसके बिना कोई भी सूट या फिर कुर्ता पहनते ही नहीं, सो ये पहले से मेंशन करना ज़रूरी है। अगर आप अपने कुर्ते में कोई स्पेशल फिनिशिंग्स पसंद करते हैं, जैसे कि स्लिट्स के अंदर की साइड पे अलग कलर की फिनिशिंग या फिर कोई फैंसी बटन्स या लेस लगवाना चाहते हैं, तो वो भी पहले डिसाइड करना होगा। इवन बाकी की छोटी छोटी कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स जैसे कि पॉकेट्स, पिनटक्स, गैदर्स, कॉलर्स या फिर इवन प्लैकेट का स्टाइल हैज़ टू बी डिसाइडेड पहले। देन लास्टली आपके कुर्ते में लाइनिंग लगेगी कि नहीं, आपको कौन सी लाइनिंग पसंद है, जैसे कि कॉटन या फिर कॉटन टाफ्टा। कुछ लोग बिल्कुल पतली सी सिंथेटिक लाइनिंग भी काफ़ी पसंद करते हैं, ये किसी भी कपड़े को बहुत अच्छा फ्लो देती है। मैं ये स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहूँगी कि जो लोग काफ़ी टाइम से अपने कपड़े खुद सिलवाते हैं, आपको इस वीडियो की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपके लिए ये बहुत बेसिक गाइडलाइंस है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें कहीं से भी कोई क्लियर गाइड नहीं करता।
एंड वो टोटली अपने टेलर पे ही डिपेंडेंट होते हैं और फिर बाद में डिससैटिस्फाइड रहते हैं या समझ ही नहीं पाते कि अपनी पसंद के कपड़े कैसे बनवाएं, और जो कुछ रेडीमेड अवेलेबल होता है उसी पे डिपेंडेंट रहते हैं। सो आई होप आपके ये वीडियो काफ़ी काम आएगा और मैं उम्मीद करूंगी आप मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब या फिर मेरे पेज को अब तक फॉलो नहीं किया है तो अभी ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।